माय सेल्फ विकास शुक्ला। और मेरा जो टॉपिक रहेगा मैथ इंट्रोडक्शन। मैथ में बेटा ऐसा है कि सबसे पहले हम लोग जानते हैं नंबर, व्हाट इज नंबर, नंबर क्या है, क्योंकि जो मैथ स्टार्ट होता है नंबर से स्टार्ट होता है, वो नंबर कहाँ से आया, क्या है। तो नंबर बेटा जिसको हम काउंट कर सकते हैं, एवरी काउंटेबल थिंग आर कॉल्ड नंबर, एवरी काउंटेबल मीन्स आर कॉल्ड नंबर। बट अगर जो हम काउंट नहीं कर सके, जैसे वाटर हो गया, शुगर हो गया, एटसेट्रा, इसको हम काउंट कर सकते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट इन दियर क्लास हो, या हाउ मेनी फैमिली इन, हाउ मेनी मेंबर इन योर फैमिली। तो ये सब क्या होगा बेटा, नंबर। नंबर जैसे इसको काउंट, जैसे 1, 2, 3 एंड सो ऑन। नंबर के बाद में निकल के आता है जो फर्स्ट नंबर आता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या आया कहाँ से, एवरी काउंटेबल नंबर आर कॉल्ड प्राइम, नेचुरल नंबर, सॉरी, एवरी काउंटेबल नंबर जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है, हुज इज स्टार्टेड फ्रॉम 1, 2 एंड सो ऑन। इन नेचुरल नंबर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है 1 से और आगे कंटिन्यू करता है। नेचुरल नंबर के बाद में जो दूसरा होता है, नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट करने का बेटा जो सिंबल होता है वो कैपिटल एन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद में होल नंबर, होल नंबर मतलब होता है बेटा पूर्ण संख्या, होल नंबर क्या होता है, इफ नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो को कंटेन कर लें, नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो को कंटेन कर लें तो वो क्या हो जाएगा, होल नंबर, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसके बाद में आता है, पहला हो गया नेचुरल नंबर, होल नंबर, होल नंबर को डब्लू से, तो नेचुरल नंबर कहाँ पर कंटेन हो जाएगा, होल नंबर। उसके बाद में आ जाता है इंटीजर, इंटीजर पूर्णांक। अगर हम होल नंबर में निगेटिव नेचुरल नंबर कंटेन कर लेते हैं, मतलब नेचुरल नंबर, निगेटिव नेचुरल नंबर एंड जीरो, देयर आर कॉल्ड इंटीजर पूर्णांक, व्हिच इज 0, ±1, ±2, ±3 एंड सो ऑन। एक तरह से हम कह सकते हैं जिसको हम नंबर लाइन पे शो करते हैं वो एक इंटीजर है, 0, ±1, ±2, ±3 एंड सो ऑन, ये −1, −2, −3 एंड सो ऑन कंटिन्यू चलते। इसके बाद में हमारा आता है बेटा प्राइम नंबर, प्राइम नंबर यानी जो अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर बेटा इसे कहते हैं जो ओनली वन टू फैक्टर वन आर इट्सेल्फ, या तो उसका फैक्टर वन है या बेटा वो इट्सेल्फ मतलब खुद की वो संख्या है, तो क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। यानी लीस्ट प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड कंटिन्यू। इसमें एक क्वेश्चन आता है कंपटीशन में भी कि लीस्ट प्राइम नंबर वो इवन भी हो, इवन एंड लीस्ट प्राइम नंबर, तो बेटा वो है 2। 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है, प्राइम भी है और लीस्ट भी है। प्राइम मतलब प्राइम नंबर की सबसे छोटी संख्या 2 है और इवन भी है। इसके बाद में इवन और ऑड देख लीजिए,
इवन नंबर ऑड नंबर। इवन नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय टू, वो संख्या जो टू से कंप्लीटली डिवाइड हो। इवन नंबर जो संख्या दो से कंप्लीटली पूरा पूरा डिवाइड हो जाए उसको इवन नंबर कहते हैं। एज 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। के बाद में आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब विषम संख्या होता है। व्हिच इज स्टार्टेड फ्रॉम 1, 3, 5 एंड 1 मतलब जो दो से डिवाइड नहीं होता कम्प्लीटली उसको ऑड नंबर या विषम संख्या कहते हैं। उसके बाद में उठाता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर परमेय संख्या। जिस नंबर को बेटा पी अपान क्यू के रूप में राइट कर सकते हैं, पी अपान क्यू के रूप में राइट कर सकते हैं, बट इसमें जो डिनोमिनेटर में क्यू है जीरो नहीं होना चाहिए, और पी और क्यू क्या होता इंटीजर जिसको आई से डिनोट करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। पी क्यू क्या हूँ पॉजिटिव इंटीजर, पी क्यू इंटीजर हूँ बट क्यू जीरो ना हो, या ऐसा भी कह सकते हैं जो पी क्यू हो ऑलवेज पॉजिटिव हो, तो ये क्या हो जाएगा रेशनल नंबर। एग्जांपल ले लीजिए बेटा 2/3, 5/6 एंड सो ऑन। इरेशनल नंबर जिसको पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, जिसको पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है वहां क्यू जीरो भी हो सकता है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर बेटा पाई जो है इरेशनल नंबर है, बट 22/7 राइट करते हैं तो वो रेशनल नंबर हो जाता है, बट 3/14 जो राइट करते हैं ये इरेशनल नंबर। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक कंटिन्यू होती है। धन्यवाद।